Dear students, today we will do worksheet number 2 of unit 5. In this worksheet, we will convert the given lengths into meters and centimeters. And in second question, we will convert the given length into kilometers and meters. So let us start with first question. Convert into meters and centimeters. 700 centimeter is given. और 700 centimeters में हमें बताना है how many meters are there and how many centimeters are there. तो we know 1 meter is equal to 100 centimeters. And you know 700 centimeter, whenever lengths are given in centimeter और आपको उसको meter और centimeter में convert करना, always divided by 100. Okay. तो 700 को हम वी विल चेक कि 700s में कितने हंड्रेड्स आते हैं. तो 107 700. सो जो आपका क्वोशेंट है दैट विल बी मीटर एंड जो आपका रिमाइंडर है दैट विल बी द सेंटीमीटर्स. सो यू विल राइट 700 सेंटीमीटर्स में देयर विल बी 7 meters. एंड सेंटीमीटर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर का वैल्यू ज़ीरो है यहाँ पर. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3500 में हाउ सेंटीमीटर्स में हाउ मेनी मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स आर देयर. तो वी नो द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर. सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 3500 बाय 100. सो 100 थ्री ज़ा, अब आप देखिए आपका डिवाइजर जो है थ्री डिजिट नंबर है, 100 में थ्री डिजिट्स हैं तो आप डिविडेंड की भी थ्री डिजिट्स को डिवाइड करेंगे. 100 थ्री ज़ा 300 और आप 350 में से 300 माइनस करेंगे यू विल गेट 50 एंड यू ब्रिंग डाउन दिस ज़ीरो एंड 100 फाइव ज़ा 500. सो अब आपका रिमाइंडर आ गया. अब आपके पास ब्रिंग डाउन करने के कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये आपका ज़ीरो रिमाइंडर है. तो अब आपका जो क्वोशेंट है वो होगा बिग यूनिट मतलब मीटर और जो आपका रिमाइंडर होगा वो होगा स्मॉल यूनिट मतलब सेंटीमीटर. तो आप कंक्लूड करके आंसर लिखेंगे कि 3500 सेंटीमीटर्स में 35 मीटर्स होते हैं. वैसे भी देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं तो 35 मीटर में 3500 सेंटीमीटर्स होंगे. तो और सेंटीमीटर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सेंटीमीटर का वैल्यू यहाँ पर क्या आया है, ज़ीरो. इसी तरह से सी पार्ट, 5260 को आपको कन्वर्ट सेंटीमीटर में बताने हैं हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स. तो डिवाइडेड बाय 100, इट इज़ थ्री डिजिट, 100 इज़ अ थ्री डिजिट नंबर. तो ये 5, 2 और 6 के लिए आप टेबल पढ़ें, मतलब 526 के लिए आप पढ़ेंगे तो 100 फाइव ज़ा 500 एंड 26 माइनस करके आया. नाउ ब्रिंग डाउन दिस नंबर. अब अगेन आप 100 का टेबल रिसाइट करोगे, 100 टू ज़ा 200 एंड यू विल गेट 60 इन माइनस करके 60 आया. अब आपके पास ब्रिंग डाउन करने के लिए कोई नंबर नहीं है, दैट मीन 60 इज योर रिमाइंडर. ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा. तो अब आपको मैंने बताया था जो क्वोशेंट है 52 इज क्वोशेंट, क्वोशेंट विल बी ऑलवेज ग्रेटर यूनिट मतलब मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो मीटर इज ग्रेटर, मीटर बड़ा है एंड सेंटीमीटर आपके आगे 60. तो अब आप कंक्लूड करके आंसर लिखोगे 5260 सेंटीमीटर्स में 52 होंगे मीटर और 60 होंगे सेंटीमीटर्स. इन दिस वे यू विल सॉल्व पार्ट सी. एंड पार्ट डी अगेन, 3008 में कितने सेंटीमीटर में कितने मीटर्स और सेंटीमीटर्स हैं डिवाइडेड बाय 100. हम 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 100 थ्री ज़ा 300. ओके, 300 माइनस 300 इज ज़ीरो. नाउ ब्रिंग डाउन नेक्स्ट नंबर दिस 8. अब आपने जब ब्रिंग डाउन किया है तो आप 100 का टेबल 8 के लिए रिसाइट करेंगे. अब 100 के टेबल में 8 तो आता नहीं है, लेकिन 8 से छोटा नंबर आता है. 100 ज़ीरो ज़ा 0 एंड 8 माइनस 0 इज़ 8. तो ये क्वेश्चन बन गया आपका मीटर और 8 बन गया आपका सेंटीमीटर. तो 3008 सेंटीमीटर्स, ये आपकी आंसर लाइन है, ज़रूर लिखनी है कि 3008 सेंटीमीटर में 30 मीटर्स थे और 8 सेंटीमीटर्स हैं. अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स. सो फर्स्ट इज 9000 मीटर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर.
तो मीटर्स में आपको ऑलरेडी ये गिवन है लेंथ, और आपको कन्वर्ट करना है इस लेंथ को किलोमीटर्स में. और मीटर्स में तो वी नो द रिलेशन बिटवीन दीज टू यूनिट्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो ऑलवेज डिवाइड द गिवन लेंथ बाय 1000, एंड 9000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 9 9000. आप देख सकते हैं ये हमारा 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट के लिए हमने टेबल रिसाइट किया. एंड आपको मैं जैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किलोमीटर बिगर है देन मीटर से, तो क्वोशेंट विल बी द बिगर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट विल बी द रिमाइंडर. रिमाइंडर जो होगा वो स्मॉलर यूनिट होगा, तो इट विल बी द मीटर. तो अगर हम लिखें 9000 मीटर में 9 किलोमीटर्स हैं, 0 मीटर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई वैल्यू आती है रिमाइंडर में देन यू कैन राइट इतने मीटर्स. सो फर्स्ट वी हैव डन, एंड नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ 35000 मीटर में कितने किलोमीटर्स और कितने मीटर्स हैं. तो 35000 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, और अब आप देखिए ये 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट, तो ये स्टार्टिंग वाली 1 2 3 4, 3500 के लिए हम टेबल पढ़ेंगे. इट इज़ लाइक 1000, अब 33500 में 1000 के टेबल में इसके नियरेस्ट नंबर है 3 ज़ा पर, 3000, 1000 3 ज़ा 3000 माइनस करेंगे, क्योंकि अगर हम 4 ज़ा करेंगे इट विल बी 4000, और 4000 3500 से बड़ा होता है, तो इट इज़ 0 0 and 5 500. अब ये माइनस करके आया, नाउ ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर. अब आप 1000 का टेबल 5000 के लिए पढ़ेंगे, तो 1000 5 ज़ा 5000, एंड माइनस करेंगे 5000 को 5000 में से, तो इट विल बी 0. तो दिस विल बी द किलोमीटर एंड दिस विल बी द मीटर. एंड व्हेन यू विल राइट आंसर 35000, ये आंसर लाइन ज़रूर लिखनी है, मीटर्स में कितने किलोमीटर्स हैं, 35 किलोमीटर्स हैं, और मीटर्स आपके 0 हैं, तो नो नीड टू राइट दैट. ओके, देन थर्ड वन इज़ 15623 में कितने किलोमीटर्स हैं और कितने मीटर्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 1000 1000 1 ज़ा 1000. 4 डिजिट का नंबर है, तो फर्स्ट 4 डिजिट्स के लिए ही आपने टेबल रिसाइट किया. अगर आप 2 ज़ा करते तो वो 2000 होता, तो वो 1562 से बड़ा होता, तो हम 1 ज़ा करेंगे. अब माइनस करेंगे तो 2 6 and 5 वी विल गेट, एंड नाउ ब्रिंग डाउन दिस 3. अब 5623 के लिए आप 1000 का टेबल पढ़ेंगे, तो 1000 5 ज़ा 5000, क्योंकि 6 ज़ा करोगे तो इट विल बी 6000, एंड वो उससे बड़ा होगा 5623 से. नाउ यू माइनस इट 2 and 6. अब आपके पास ब्रिंग डाउन करने के लिए कोई नंबर नहीं है, दैट मीन 623 आपका रिमाइंडर है. तो 15 क्या आ गया, किलोमीटर. क्वोशेंट हमेशा बड़ी यूनिट और रिमाइंडर हमेशा छोटी यूनिट, तो किलोमीटर और ये मीटर. तो अगर अब आप आंसर कंपाइल करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 15623 मीटर्स में 15 किलोमीटर्स होंगे और 623 मीटर्स. दिस विल बी योर आंसर. अंडरस्टूड? नाउ वन मोर क्वेश्चन. 50005 में कितने किलोमीटर्स हैं और कितने मीटर्स हैं, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 5 ज़ा 5000, एंड माइनस करेंगे 5000 माइनस 5000, इट विल बी 0. एंड नाउ ब्रिंग डाउन दिस 5. अब आपको 1000 का टेबल 5 के लिए रिसाइट करना है, तो 1000 तो बड़ा है, 5 छोटा है, लेकिन 1000 के टेबल में 5 से छोटा नंबर, 1000 0 ज़ा 0. एंड नाउ अब आपके पास ब्रिंग डाउन करने के लिए कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 5 इज योर रिमाइंडर. तो जो आपको मैंने बताया क्वोशेंट विल बी द बिगर यूनिट, मतलब 50 क्या है किलोमीटर और 5 क्या है मीटर्स, तो आप कंपाइल करके आंसर लिखेंगे 50005 मीटर्स में 50 तो किलोमीटर्स हैं और 5 मीटर्स हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू विल कंप्लीट वर्कशीट नंबर 2 ऑफ यूनिट 5 इन योर मैथ्स फेयर नोटबुक.